तो अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। जब आप ऑप्टिफेक्ट को ओपन करके न्यू कंपोजिशन ले लेते हैं और इसमें न्यू स्लाइड ले लेते हैं, इसके अंदर 3D एलिमेंट का इफेक्ट अप्लाई करते हैं, तो हमारे सामने ऐसा एरर आ जाता है जो आफ्टर इफेक्ट एरर कैनॉट फाइंड मेन एंट्री पॉइंट फॉर एलिमेंट एक्स, जिसका मतलब 48/72 का एरर आ जाता है। इसका मतलब आप आफ्टर इफेक्ट में 3D के लिए एलिमेंट इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई नहीं होने देता है और ऐसा एरर आ जाता है। इसके समाधान के लिए आपको एक प्रोसेस करनी होगी, आपको एक फाइल को कॉपी पेस्ट करना होगा। उस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, फिर जिप फाइल को एक्सटर्नल कर लेना है, फिर इस फाइल को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है, विंडोज में जाना है। यहाँ पर आपको नीचे सिस्टम 32 का ऑप्शन है, उसे सर्च कर लेना है और इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको आफ्टर इफेक्ट को बंद करके दोबारा ओपन करना है, इसमें न्यू कंपोजिशन ले लेना है, ओके कर देना है, न्यू स्लाइड ले लेना है, ओके कर देना है। इसके बाद हम इसमें 3D इफेक्ट एलिमेंट अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि 3D इफेक्ट अप्लाई हो गया है। इसके बाद सीन सेटिंग में जाएंगे, हम यहाँ से एक बॉल ले लेते हैं। आप देख रहे हैं 3D इफेक्ट ऐसे अप्लाई हो गया है। जो हमारे सामने 3D एलिमेंट जो अप्लाई नहीं हो रहा था, उस समस्या का समाधान हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही बगल में बेल आइकन घंटे पर क्लिक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।